बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। घर की बनी हुई क्रीम वगैरह यूज कर ले तो आपको उसके उस वक्त रिजल्ट मिल जाए और जिसको देख के आप यकीनन खुशी से झूम उठे कि क्या कमाल के रिजल्ट हमको मिले हैं। तो ऐसा ही एक टोटका आपको बताने जा रही हूँ जिसको यूज करके आप इससे बहुत ज्यादा फायदा पा सकते हैं। घर से ही चीजों को लेके आपको ये बहुत आसान सा टोटका बताने जा रही हूँ। आपने सबसे पहले इधर लेनी है फ्रेश एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं तो आपने फ्लैक्स सीड जेल लेनी है। आपने इस नुस्खे को ऐसे ही बनाना है, कोशिश करें जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वही ले लें। ये आप बोलेंगे कि ये तो चीजें घर पे नहीं होती, लेकिन अगर आपके घर पे नहीं है ये चीजें तो फ्लैक्स सीड जो है वो आप थोड़ी सी लेके उसकी जो जेल है वो थोड़ी सी ले लें, वो भी मिनटों में तैयार हो जाएगी। उसके लिए भी हमें इतना ज्यादा जो है वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इधर मैंने घर से ही अपनी ये फ्रेश एलोवेरा जेल को ले लिया है। इसी तरीके से भी आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है। इधर मैं थोड़ी सी एलोवेरा जेल को ग्रेट कर लिया है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा वो होगा दही, ठीक है। अगर हमारे पास 1 टेबलस्पून ये एलोवेरा जेल है तो हमने तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना दही को ऐड करना है। एलोवेरा जेल की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए और जो दही है उसकी मिकदार कम होनी चाहिए। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा टोटली ऑप्शनल है। आप अगर हाथों और पाओं के ऊपर इसको यूज कर रहे हैं तो आपने बेकिंग सोडा को डालना है और तकरीबन इतना डालने के जितना आपकी स्किन को सूट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चेहरे के ऊपर लगा रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको ना भी डालें। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि बेकिंग सोडा अगर अपने हाथों पाओं या जिस्म के किसी में डालना तो डाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर होगा कॉर्नफ्लोर करके। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी बहुत जबरदस्त किस्म की कंसिस्टेंसी में एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये क्रीम ना सिर्फ आपके चेहरे को गोरा करेगी, जिस्म को गोरा करेगी, बल्कि आपके चेहरे के ऊपर अगर झुर्रियां आ रही हैं, हाथों के ऊपर झुर्रियां आ रही हैं, वक्त से पहले झुर्रियां आ रही हैं, तो ये टोटका बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इस मटीरियल को लेना है और अपनी स्किन के ऊपर इस तरीके से आपने मसाज करना है। 2 से 3 मिनट आपने मसाज करना है। मसाज आपने भर भर के करना है और जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो खुशी से झूम जाएंगे। कमाल के रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। एक तो आपकी स्किन जो है बहुत नरम और मुलायम हो जाएगी। मसाज करने के बाद इस तरीके से लगा के ना 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट से भी ज़्यादा छोड़ सकते हैं इस तरीके से लगा के। फिर आपने इसको वॉश करना है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। थोड़ी देर बाद आपने इसको नॉर्मल पानी से धो लेना है। देखिए कमाल के रिजल्ट आपको मिलते हैं। रिजल्ट चेक करें।